हम देखेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन मेथड्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं और इन मेथड्स के जरिए जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आती है उनमें क्या डिफरेंस है सो so, हम स्टार्ट करते हैं uh, सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर है 8.2 वो हम कवर करेंगे और फिर हमारे पास प्रॉब्लम है प्रॉब्लम uh, 8.1 वो हम कवर करेंगे So Yahape uh, on May 10th, uh, Hudson Computing sold 90 millennium laptops uh, computers to Apex publishers. At, uh, at the date of this sale, Hudson's perpetual inventory records including रिलेटेड अच्छा, आप देख लीजिए जो डेटा मौजूद है अप्रैल नाइन को परचेज की थी सेवेंटी लैपटॉप आप कह लें या क्वान्टिटी या यूनिट कहें सेवेंटी यूनिट मौजूद थे और एक यूनिट कितने का था वन अः 1,500 डॉलर्स का तो ये टोटल कॉस्ट uh, दे दी गई है यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट तो ये टोटल कॉस्ट आ गई अप्रैल uh, 9 की सेल की इसी तरह मई uh, 1 की सेल है 30 यूनिट 1600 की रेट से 48,000 डॉलर है तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परचेज किए हैं ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन हैंड इस वक्त कितने मौजूद हैं इस वक्त मौजूद हैं 100 यूनिट्स मौजूद हैं और इन 100 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट uh, है वो 153,000 uh, की कॉस्ट यहां पे मौजूद है इसके अलावा Prepare journal entries. So, what is required a Journal entries required hai to record the cost of 90 millennium laptops. Uh... यानी कि 90 क्या है ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है आउट ऑफ 100 यूनिट्स आउट ऑफ 100 अवेलेबल यूनिट्स 90 यूनिट जो है वो कंपनी ने सोल्ड किए हैं और किस डेट को सोल्ड किए हैं टेंथ मे को सोल्ड किए हैं अज्यूमिंग दैट हटसन कंप्यूटिंग यूजेस ये डिफरेंट दिया है कि ए बी सी डी इन चारों में एक एक अलग अलग मेथड अलग अलग इंडिपेंडेंट मेथड uh, है और आपसे क्या जर्नल एंट्री मांगी भी है किस चीज की मांगी भी है सारी चीजों की नहीं मांगी भी है सिर्फ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ 90 मिलेनियम लैपटॉप सोल्ड यानी कि जो आपने सेल्स uh, की है उस सेल्स की जो कॉस्ट आ रही है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री मांगी हुई है हमने चैप्टर नंबर सिक्स किया था और चैप्टर नंबर सिक्स में हमने परपेचुअल और प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में डिफरेंट तरह से इन रिकॉर्डिंग करना सीखी थी एंट्री सीखी थी और हमने देखा था कि जो परपेचुअल सिस्टम होता है उसमें जब यूनिट सेल किए जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड की भी एंट्री बनाई जाती है यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्डिट्री सेल हो चुकी होती है तो इन्वेंट्री को कम किया जाता है या क्रेडिट पे दिया जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्योंकि अप टू डेट होता है हर वक्त उसका डेटा अप टू डेट होता है इसलिए उसमें फॉरन हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल और इन्वेंटरी की एंट्री भी पास करते हैं जबकि पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता उसमें हम पीरियड एंड का वेट करते हैं और एट द टाइम ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंटरी की एंट्री पास नहीं होती अंडर पीरियडिक जबकि परपेचुअल में होती है और यही उसने हमसे पूछा हुआ है सो so, इसको हम सबसे पहले सॉल्व uh, करते हैं हम एंट्री बनाते हैं और इसके लिए हम एक्सेल शीट की मदद लेंगे सो so, ये हमारे पास डेटा है हम जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना सबसे पहले जो हमारा मेथड है हम यहाँ पे मेथड लिख लेते हैं फर्स्ट ए पार्ट है हमारा तो यहाँ पे हम ए पार्ट है स्पेसिफिक मैथडिफिकेशन मेथड होता है वो किस दिन की परचेजेस से हैं या कहां-कहां से हमने यूनिट्स को इन्वेंट्री में हमने कहां से लिए और कहां पे हमने इसको सेल किया है सो so, uh, सवाल में क्लियर कट दिया हुआ है कि 90 लैपटॉप सेल किए और जो टोटल अवेलेबल फॉर सेल है वो कितने हंड्रेड तो हंड्रेड में से अगर नाइनटी सेल कर दी है तो अब हमारे पास कितने रह जाएंगे हमारे पास टेन रह जाएंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के तहत लिखा हुआ है सिक्सटी यूनिट्स वर सोल्ड सिक्सटी यूनिट्स सोल्ड वर परचेज ऑन नाइन्थ अप्रैल एंड रिमेनिंग यूनिट्स वर परचेज फ्रॉम मे फर्स्ट यानी कि जो आपने 90 यूनिट्स बेचे हैं अगर मैं यहाँ पे वर्किंग दिखाऊं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की तो जो 90 यूनिट्स बेचे हैं उसमें से जो 62 यूनिट्स हैं, वो कब की परचेज के हैं वो उसने लिखा हुआ है कि नाइन्थ अप्रैल के हैं, यानी कि यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है ये देखें। सो so, अप्रैल के ये लिखा हुआ है तो यानी कि ये हमने यहां से लेना है और रिमेनिंग कब के हैं फर्स्ट अप्रैल से लेना है तो अब जब जो सिक्सटी टू यूनिट्स हैं हमारे पास उसके लिए हम रेट क्या लिखेंगे उसको हम यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं एट द रेट एक यूनिट कितने का है 1500 का है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन कितनी होगी? Uh, 62 मल्टीप्लाई बाय 1500। यानी कि हमने पूरे uh, 90 यूनिट्स पूरे करने हैं। तो अगर हम 90 में से 62 माइनस करें, तो रिमेनिंग हमारे पास कितने यूनिट्स रह जाते हैं? 28। तो 28 यूनिट्स जो हमने सेल करने हैं यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि जो 28 यूनिट्स हमने सेल करने हैं वो हमने कहाँ से सेल करने हैं वो फर्स्ट मई से सेल करने हैं तो फर्स्ट मई का जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है वो 1600 आ रही है तो यानी कि हम कैसे करेंगे 28 आ uh, 28 मल्टीप्लाई बाय 1600 सो so, हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी अगर हम इन दोनों को ऐड करें यानी कि अगर हम ऐड करें uh, 93,000 थ्री थाउजेंड और 93,000 थ्री थाउजेंड में हम क्या ऐड करें फोर्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है वो आ रही है वन थर्टी सेवन तो हम एंट्री क्या बनाएंगे किस डेट को हम सेल कर रहे हैं मे टेन को हम सेल कर रहे हैं एंट्री क्या बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट कर देंगे हम कितनी अमाउंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है ये आप देख लीजिए कि हमने जो अमाउंट कैलकुलेट की है वो वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड है तो हम एंट्री किससे बनाएंगे हम एंट्री यहाँ पे बनाएंगे वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड से हम एंट्री बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम क्या कर देंगे इन्वेंट्री अकाउंट सो इन्वेंटरी क्रेडिट हो गया थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड से और क्योंकि ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड था तो इसका मतलब है कि इसमें बता दिया गया है कि किस दिन की सेल थी सो so जब आपको जिस दिन की सेल थी वो बता दी गई है तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हमें फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट या कौन सा हमने पहले बेचा है कौन सा हमने बाद में बेचा है इसकी हमें जरूरत नहीं है हमने क्या किया उसमें उसने दिया हुआ है क्लियर कट दिया हुआ है तो हमने एंट्री बना दी है सेकेंड मेथड जो हमारा है आ, वो है एवरेज मेथड तो सेकेंड एंट्री हम सेकेंड टाइम सेम एंट्री करेंगे और सेकेंड टाइम जो हम सेम एंट्री करेंगे वो एवरेज मेथड के तहत करेंगे सो एवरेज मेथड के लिए हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था जो बी लेक्चर जो बी है वो है एवरेज कॉस्ट मेथड इसमें हम क्या करते हैं एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और एवरेज कॉस्ट एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हम पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट जो हमें गिवन है वो हम चेक करते हैं ये दिस वन ये टोटल कॉस्ट हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें गिवन है तो हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एवरेज पर यूनिट कॉस्ट तो हम क्या करेंगे सिंपल हमारे पास है और इसको हम डिवाइड कर देंगे हंड्रेड यूनिट से तो हमारे पास ये जो कॉस्ट आ रही है फिफ्टीन हंड्रेड एंड थर्टी दिन फिफ्टीन हंड्रेड एंड थर्टी बेसिकली रिप्रेजेंट एवरेज पर यूनिट कॉस्ट तो हम इसको एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हम लिखेंगे कॉस्ट हमारी ये क्या है पर यूनिट कॉस्ट है सो जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री हम किस तरह बनाएंगे कि हमारे पास हम इसको अच्छा हंड्रेड यूनिट में से नाइंटी हमने लैपटॉप सेल किए नाइंटी लैपटॉप उसने क्लियर कट हमें दिया हुआ है सो uh, so, हम नाइंटी यूनिट्स की अगर हम कॉस्ट uh, कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का है एवरेज एवरेज हमने कितना निकाला 15 थर्टी हमने कैलकुलेट किया तो जो इसकी कॉस्ट आ रही है इसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है वो एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी एवरेज कॉस्ट आ रही है वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो so एंट्री हम बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे सबसे पहले हम डेट लिखेंगे मे और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट कर देंगे और हमारे पास से क्या चीज कम हो रही है इन्वेंट्री कम हो रही है वो हम क्रेडिट कर देंगे कितनी अमाउंट अब हम यहाँ पे लेंगे वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड और सेवन हंड्रेड ये कौन सा मेथड है ये मेथड है एवरेज मेथड सो एवरेज मेथड से हमने आ, ये कैलकुलेट किया है एवरेज पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है और उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन की है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है नेक्स्ट मेथड है थर्ड मेथड है सी uh, पार्ट फाइफो मेथड फाइफो स्टैंड फर्स्ट एंड फर्स्ट तो अब हम देखेंगे बेसिस uh, पे हम कैलकुलेट करेंगे सो सी पार्ट हम करते हैं फाइफो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट फर्स्ट इंड फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले खरीदा वो पहले बेच दिया So, अब हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें इसकी कॉस्ट हम फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल पे तो हमने 90 यूनिट्स बेचे हैं तो सबसे पहले हमने क्या खरीदा था सबसे पहले हमने नाइंथ अप्रैल में 70 यूनिट्स खरीदे थे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 70 यूनिट्स और एक यूनिट हमने कितने का खरीदा था फिफ्टीन हंड्रेड का सो so, और हमने कितने पूरे करने हैं हंड्रेड करने हैं हमने पूरे नाइन्टी करने हैं तो 30 में से हम कितने मजीद ले लेंगे ट्वेंटी ले लेंगे तो हमारे नाइन्टी पूरे हो जाएंगे तो ट्वेंटी का रेट हमारे पास ये जो थर्टी यूनिट से इसका रेट कितना आ रहा है सिक्सटीन हंड्रेड आ रहा है तो फिर हम इसको सिक्सटीन हंड्रेड से ले लेंगे अब जब हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आप आंसर चेक कर लीजिए कि आंसर हमारे पास क्या आ रहा है टोटल जब हम इनको करते हैं तो इनकी जो कॉस्ट हमारे पास आ रही है वो टोटल कॉस्ट आ रही है आ, पहले हम इसको सम कर लें यानी हम सम कैसे करेंगे वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो और इसमें हमने प्लस किया थर्टी टू थाउजेंड तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो वन लैक थर्टी सेवन थाउजेंड आ रहा है इसको हम डॉलर में रिकॉर्ड कर देते हैं करेंसी में रिकॉर्ड कर देते हैं तो फाइफो की जो हमने एंट्री करनी है वो फाइफो की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री हम किससे करेंगे वन लैक थर्टी सेवन थाउजेंड से करेंगे तो हम आ जाते हैं एंट्री तो सेम होगी वो चेंज नहीं होगी डेट uh, क्या है मे टेंथ को हम सेल कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ़ गुड्स हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट हम वही सेम जो भी हमने कैलकुलेट की है वन थर्टी सेवन वन थर्टी सेवन एंड ट्रिपल जीरो तो बिल्कुल इसी तरह हम क्रेडिट इन्वेंट्री करेंगे वन थर्टी सेवन ट्रिपल जीरो हमने एंट्री पास की फाइफो मेथड से और लास्ट हमारे पास जो डी पार्ट है वो मेथड कौन सा यूज हो रहा है वो मेथड यूज हो रहा है लाइफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट सो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो हमने बाद में लिया था तो हमने 30 यूनिट में फर्स्ट को लिए थे बाद में लिए थे लास्ट इन थे पहले बेच दिया फर्स्ट आउट कर दिया और अब हमारे कितने हमने पूरे करने हैं हमने 90 पूरे करने हैं तो 60 यूनिट हम किस में से लेंगे 9th अप्रैल की सेल में तो सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमने आ, 30 यूनिट्स हमने सेल करने हैं पूरे पूरे के पूरे लास्ट इन वाले तो फर्स्ट आउट कर देंगे और हमने पूरे नाइन्टी करने तो कितने हमारे पास कम रह गए सिक्सटी हमारे पास मजीद रह गए हैं तो वो हमने बाद यानी कि जो हमने पहले परचेज किया था उसमें से हमने ले लेना है तो ये फिफ्टीन हंड्रेड के रेट से तो अब जब हम इसकी मजीद कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखें हमारे पास इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में टोटल अमाउंट में हमारे पास क्या डिफरेंस आता है ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आ रहा है कॉस्ट वो कितनी आ रही है फोर्टी एट थाउजेंड और इसमें हमने प्लस किया नाइंटी थाउजेंड तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो थर्टी ए वन लैख थर्टी एट थाउजेंड आ रही है और इसको हमने करेंसी में लिख दिया दिस अमाउंट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉलर में और एंट्री एंट्री वही होगी सेम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की टेंथ uh, मे को हम एंट्री पास करेंगे और क्या पास करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्या चीज हम क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट हमारे पास कितनी होगी जो हमने लाइफो के लिए कैलकुलेट की है जो कि है डॉलर वन लैख थर्टी एट थाउजेंड और ये हमने डेबिट किया है कॉस्ट ऑफ़ को और क्रेडिट कर देंगे हम वन लैक थर्टी एट थाउजेंड को सो so, हमने डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड्स किए हैं और डिफरेंट इन्वेंट्री मेथड्स की वजह से हमारे पास जो कॉस्ट कॉस्ट आ रही है वो मेथड्स की वजह से हमारे पास डिफरेंट आ रही है अब यहाँ पे अब देखिए जो हमारा पार्ट डी है उस ई e पार्ट है उसमें पूछा हुआ डिस्कस ब्रीफली द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिफरेंसेस दैट में राइज फ्रॉम चूजिंग द फाइफो मैथड ओवर द लाइफो मैथड अगर आप फाइफो छोड़ के लाइफो मैथड यूज करते हैं या लाइफ के फाइफोज करते हैं तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पेरियड ऑफ रेजिंग राइजिंग प्राइसेस है यानी कि प्राइसेस क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं तो जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं और हमारे पास जो Uh, आप कह कि जो कॉस्ट मौजूद होती है जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं फाइफो uh, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कॉस्ट होती है वो ओल्डेस्ट परचेज में से होती है इसका मतलब है कि इसकी जो कॉस्ट है उसकी अमाउंट क्या कैलकुलेट होती है थोड़ी कम कैलकुलेट होती है जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होती है तो इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है और जब प्रॉफिट ज्यादा होता है है तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है हम फाइफो मेथड की बात कर रहे हैं लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट एंड फर्स्ट आउट और जब हम इन्फ्लेशनरी इकोनमी में होते हैं इन्फ्लेशन होता है तो बाद वाली परचेजेस यानी लास्ट वाली परचेजेस की क्योंकि अमाउंट बढ़ चुकी होती है प्राइसेस रेज हो चुके होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं हम फिर आ, जो आ, हमारी जो कॉस्ट है वो हैवियर होती है वो आ, ज्यादा अमाउंट की आती है अच्छा जिसकी कॉस्ट ज्यादा आती है उसके फिर प्रॉफिट क्या हो जाता है कम हो जाता है और जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो इनकम टैक्स भी आपको कम देना पड़ता है तो ये इफेक्ट होता है इस इसकी वजह से आपका रिपोर्टिंग डिफरेंस आ रहा होता है यानी कि इनकम स्टेटमेंट में आ, आप कह लें कि जो आपकी प्रॉफिट है वो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो रहा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से सो so, uh, और जब आपका प्रॉफिट ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो रहा होता है तो उसी की वजह से इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो भी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है सो इन शॉर्ट फाइफो में क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आ रही होती है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है और अल्टीमेटली इनकम टैक्स भी आपको ज्यादा देना पड़ता है लाइफों में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आ रही होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा आ रही होती है तो फिर आपको प्रॉफिट आपका कम आता है और जब प्रॉफिट कम आता है तो फिर आपने आ, जो आप कह लेंगे इनकम टैक्स है वो भी आपको कम देना पड़ता है सो दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर Uh, जो हमने अभी कवर किया वो था एक्सरसाइज 8.2 आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ने, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम 8.1 सो 8.1 में हम देखेंगे अगेन कि हमारे पास इन्वेंटरी uh, में क्या डिफरेंस आता है अंडर ऑल ऑफ दीस थ्री और फोर uh, मेथड्स और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनली इसके um, जो सब्सिडरी रिकॉर्ड्स हैं ये सब्सिडरी लेजर्स हैं सब्सिडरी लेजर्स हम कैसे बनाते हैं और uh, उसका क्या इम्पेक्ट आता है सो so, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम uh, मौजूद है एट पॉइंट वन और 8.1 के लिए हम मजीद नेक्स्ट एक्सेल शीट ले लेते हैं सो so क्लास अच्छा जी ऑन जनवरी 15 2011 थाउजेंड इलेवन बेस्ट ट्रैक सोल्ड

कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है कौन सा सिस्टम यूज कर रही है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रही है और कंपनी की ये कॉस्ट है कौन कौन सी कॉस्ट है सबसे पहले कंपनी ने ट्वेंटी सेकेंड ट्वेल्थ डिसम्बर टू ट्वेंटी टेन को परचेजेस की हैं और जनवरी नाइन ट्वेंटी इलेवन को परचेजेस की हैं यानी कि जो पहली परचेजेस है वो दिसंबर ट्वेल्व की है दूसरी परचेजेस है वो जनवरी नाइन की है 600 एंड 900 यानी टोटल 1500 यूनिट्स परचेज किए हैं और इनकी टोटल कॉस्ट 46200 आ रही है और कंपनी ने कितने बेचे हैं यूनिट्स 1000 यूनिट्स बेच दिए जबकि टोटल यूनिट्स कितने थे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 बेच दिए टोटल 1500 थे तो इसका मतलब है कि एंडिंग में हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए एंडिंग में हमारे पास 500 यूनिट्स रह गए हैं 500 हंड्रेड यूनिट्स हमारी एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हैं सो so, इंस्ट्रक्शन um, uh, है नो नोट वी प्रेजेंट दिस प्रॉब्लम इन द नॉर्मल जर्नल एंट्री हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम रिकॉर्ड क्या करते हैं जर्नल लेजर करते हैं तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की है और उसके बाद पार्ट बी में हम क्या करेंगे पार्ट बी में हम उसी का लेजर बनाएंगे सब्सिडरी लेजर कहलाता है या इसको हम इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं और ये परपेचुअल इन्वेंट्री से सिस्टम के तहत बनता है सो पहले हम ए पार्ट देते देखते हैं और ए पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है ए पार्ट में हमसे सिंपल पूछा हुआ है प्रिपेयर अ सेपरेट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटिंग टू जनवरी 15 सेल ऑफ 1000 यूनिट्स अज्यूमिंग द बेस्ट ट्रैक यूजेस फोर डिफरेंट मेथड यानी पहले हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से करेंगे फिर हम एवरेज से फिर फाइफो से और फिर हम लाइफो से इसको कवर करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है सिस्टम हम वो शुरू करते हैं सो so फॉर्मेट हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम इधर आ जाते हैं सो so, हमारे पास मेथड्स वही हैं इसलिए हमने ये यहां से आ, हम देख लेते हैं कैलकुलेशन हम जरा डिफरेंट तरीके से करेंगे अः ये सारा हम डिलीट कर देते हैं सो so, प्रॉब्लम uh, है एट पॉइंट वन ए तो रिकॉर्ड करना, कर, uh, करना है पहला हमारे पास मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तो वो हम देख लेते हैं अच्छा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में हमें बताया गया है क्लियर कट के uh, 500 यूनिट्स जो हमने बेचे हैं वो हमने दिसंबर 12 की परचेजेस से बेचे हैं और रिमेनिंग 500 यूनिट्स जो हमने बेचे हैं वो 9 जनवरी की परचेजेस से हमने बेचे हैं तो यानी कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो पहले 500 यूनिट्स का रेट हमारा डिफरेंट होगा और दूसरे 500 का रेट हमारा डिफरेंट होगा तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लें अंडर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैप मेथड तो वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि 500 यूनिट्स का जो हम पहला रेट लगाएंगे वो 29 डॉलर लगाएंगे और जो दूसरा 500 है उसका रेट हम लगाएंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है उसने हमें बता दिया है तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं यानी 500 मल्टीप्लाई बाय 29 और अगेन 500 मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू यानी इसका मतलब ये है कि इस मेथड में जो कंपनी है, वो, वो है, है, है बिलोंग करते हैं इसी वजह से हम इसको हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कहते हैं तो ये जो यूनिट्स हमने वन सेल किए हैं इस वन की जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है उस वन थाउजेंड की कॉस्ट हमारे पास क्या आ रही है अभी हमने कैलकुलेट की है थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड कॉस्ट आ रही है तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे हमारे पास डेट मौजूद है किस दिन हमने सेल की है हमने जो सेल की है वो है ऑन फिफ्टीन जनवरी तो हम यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे फिफ्टीन जनवरी की हमने यहाँ पे डेट डाल दी है क्या चीज हम डेबिट करते हैं परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट हम क्या कर देते हैं इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर देते हैं अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो हमने यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट की है तो यहाँ हम लिख देंगे थर्टी थाउजेंड 500 तो ये मेथड था हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड दूसरा मेथड यहाँ पे उसने बताया गया है एवरेज मेथड सो एवरेज मेथड में अभी हमने डिस्कस किया था पिछले प्रॉब्लम में कि हम एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पर यूनिट जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट कॉस्ट उसका तरीका क्या होता है उसका तरीका होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सो टोटल कॉस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है कैसे ये टोटल कॉस्ट गिवन है और ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं तो ये हम ले जाते हैं इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट हम ले लेंगे और टोटल कॉस्ट को हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी सो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है By 1500. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे आप चेक कर लीजिए फोर्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाय फिफ्टीन हंड्रेड तो जो हमारी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है वो आ रही है थर्टी पॉइंट एट और ये जो थर्टी पॉइंट एट है ये क्या है पर यूनिट तो हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड किए हैं हमने यूनिट सोल्ड किए यहां पे वन थाउजेंड सो वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट जो हमने थर्टी पॉइंट एट कैलकुलेट की है तो अब अगर आप वन थाउजेंड को मल्टीप्लाई करें थर्टी पॉइंट एट से तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड आ रही है तो हमने जो एंट्री पास करना है एवरेज uh, मेथड के तहत एंट्री तो सेम होगी क्या होगी फिफ्टीन uh, जनवरी की एंट्री होगी द फर्स्ट वन हमने फिफ्टीन uh, जनवरी की ही एंट्री पास की है सेकंड को भी हम क्या करेंगे? 15. और यहाँ पे भी हम जैन फिफ्टीन ही लिखेंगे तो एंट्री तो सेम होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेकिन अमाउंट हर मेथड की वजह से डिफरेंट हो जाती है तो यहाँ पे हमने जो अमाउंट कैलकुलेट की है वो थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड कैलकुलेट की है अंडर एवरेज यूनिट कॉस्ट के तहत नेक्स्ट so, मेथड है हमारे पास फाइफो फाइफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो यूनिट्स पहले खरीदे हैं उनको हम पहले बेच देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगी तो सबसे पहले हमने 600 यूनिट्स खरीदे थे दिसंबर में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम 600 को ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 600 का जो रेट आ रहा है वो 29 आ रहा है और हमने पूरे 1000 करने हैं तो 600 अगर हम 1000 में से 6 माइनस करें तो हमारे कितने रह गए हैं 400 रह गए हैं तो इस 400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेट कितना आ रहा है 32 दिस वन सो 32 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो हमने पहले खरीदे थे दिस वन तो इसको हमने पहले बेचा और जो बाद में खरीदे थे उनको हमने बाद में बेच के अपने यानी के बाद में उनकी कैलकुलेशन करके वन थाउजेंड पूरे किए तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह आएगी सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी नाइन और फोर हंड्रेड मल्टीप्लाय बाय थर्टी टू और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड तो हमारे पास uh, ये मल्टीप्लीकेशन के बजाय हमने ये प्लस करना है तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी 30,200 इसको हम लिख लेते हैं डॉलर में सो अगेन सेम एंट्री विद डिफरेंट अमाउंट हम लिखेंगे जनवरी 15 को हम ये एंट्री पास कर रहे हैं सेम एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे और फिर हमारे पास अमाउंट कितनी बन जाएगी वही जो अभी हमने कैलकुलेट की है डॉलर थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड डॉलर थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड और लास्ट हमारे पास है लाइफो मेथड लास्ट एंड फर्स्ट आउट तो हम लास्ट एंड फर्स्ट आउट दिखाते हैं एंट्री सेम है डेट जनवरी फिफ्टीन और एंट्री हमारी क्या बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स sold और inventory credit कर देंगे amount, last in first out यानी जो हमने last में खरीदा है this one इसको हम पहले बेच देंगे और जो remaining balance रह जाएगा वो हम पिछली परचेजेस में से हम कैलकुलेट करेंगे सो so, लास्ट in लास्ट हमने क्या खरीदा था लास्ट में हमने 900 यूनिट बाद में खरीदे थे पहले बेच दें 32 टू रेट से हमने कितने पूरे करने 1000 तो 900 हम ले चुके हैं कितने रह जाएंगे 100 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 29 से सो दिस इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे 900 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थर्टी एंड देन वन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच ट्वेंटी नाइन सो ट्वेंटी नाइन से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ इक्वेलिटी लगा लेते हैं और अब अगर हम इनको सम करें तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड और इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं टू थाउजेंड हम प्लस कर रहे हैं टू uh, थाउजेंड कैसे हम प्लस कर रहे हैं ट्वेंटी के बजाय ट्वेंटी नाइन सो हम यहाँ पे क्या प्लस कर रहे हैं टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड सो तो हमारे पास आंसर आ रहा है थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सो एंट्री हम सिंपल वही सेम हमने बनाई है बस अमाउंट हमारी क्योंकि मेथड डिफरेंट है तो हमारे पास अमाउंट भी डिफरेंट आएगी थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा क्रेडिट पे थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड So, ये पहला पार्ट था पार्ट ए जिसमें हमने एंट्री बनाई थी और अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल याद हो तो अकाउंटिंग साइकिल में हम एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं तो अब हम सेकेंड पार्ट यानी पार्ट बी करने लगे हैं हम लेज़र्स बनाने लगे हैं और ये सारे लेजर हमारे बनेंगे अः हमने जो आ, मेथड की डिफरेंट मेथड है यानी चार डिफरेंट मेथड है तो चार डिफरेंट मेथड से हम लेजर बनाएंगे लिखा हुआ है कंप्यूटर सब्सिडरी लेजर रिकॉर्ड फॉर एज फाइव रील्स यूजिंग फोर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैथड अब चार डिफरेंट मेथड से बनाने हैं और फिर हमने balance भी find out करना है. तो यानी बैलेंस uh, भी हमने फाइंड आउट करना है ये एक टेन uh, कॉलम आप कह लें कि लेजर बनता है इसका फॉर्मेट होता है प्रॉपर टेन कॉलम लेजर फॉर्मेट होता है वो हम बना के देखते हैं कि वो किस तरह बनता है और फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे सो so, लेजर uh, का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है सो so, ये इन्वेंट्री का सब्सिडरी लेजर होता है अब अगर आप, आप इसमें देखें तो इसमें टेन कॉलम्स हैं बेसिकली जो पहला कॉलम है वो डेट का कॉलम है कि जिस डेट को आपने सेल या परचेज की भी है दूसरा कॉलम परचेजेस का है कि जिस दिन आपने परचेज की भी है कितने यूनिट्स किए हुए हैं एक यूनिट का क्या प्राइस है और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट तो फिर आपको क्या पता चल जाता है टोटल यूनिट्स इसी तरह जब आपने सेल की भी होती है तो उस सेल की कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर परचेजेस या हर सेल्स के बाद आपको बैलेंस कैलकुलेट करना होता है परचेजेस की बात बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और सेल्स की बात बैलेंस डिक्रीज हो जाता है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है यानी कि डेट वाइज होता है तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपकी आ रही है परचेजेस की तो यहाँ पे हमारे पास डेट मौजूद है और उसको हम किस कॉलम में ले जाएंगे परचेजेस में हम ले जाएंगे तो सबसे पहले हमने परचेज किए थे कितने यूनिट्स हमने परचेज किए थे सिक्स uh, किस डेट को परचेज किए थे दिसंबर uh, ट्वेल्व को हमने परचेज किए थे सो so, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे उसके बाद कितने यूनिट्स हमने परचेज किए थे सिक्स हंड्रेड यूनिट्स परचेज किए थे एक यूनिट हमारे पास कितने का था तो हम डॉलर लिख लेंगे ट्वेंटी नाइन का एक यूनिट था और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी हम कैसे करेंगे हम करेंगे सिक्स हंड्रेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितने ए, एक यूनिट कितने का था ट्वेंटी नाइन का था तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स परचेज तो आपके पास ये कॉस्ट आ गई तो अब जो ये कॉस्ट हम यहाँ पे परचेज करते हैं साथ-साथ ये आपके बैलेंस में भी ऐड होती जाती है यानी बैलेंस अब हमारा इंक्रीज हो गया अब हमारी जो परचेजेस है ये बैलेंस में दिखा रही है कि बैलेंस में हमारे पास कितने बैलेंस में मौजूद हैं, कितने यूनिट्स आगे हैं तो ये आगे हैं सेवेंटीन थाउजेंड फोर 100 की टोटल अमाउंट बैलेंस में हमारे पास मौजूद है सो so, ये हमने बैलेंस में रिकॉर्ड किया परचेजेस को उसके बाद आप देखें कि फिर हमने परचेज किया कब हमने सेकंड परचेज हमने कब की है सेकंड परचेज हमने जनवरी uh, को की है जनवरी 9 को तो अब हम यहाँ पे परचेज दिखा रहे हैं जनवरी 9 को तो हमने यहाँ पे डेट डाली है जैन नाइन और कितने यूनिट्स क्योंकि हमने परचेस किया है तो हम परचेस के कॉलम में दिखा रहे हैं नाइन हंड्रेड यूनिट हम दिखा रहे हैं एक यूनिट हमारे पास कितने का था एक यूनिट हमारे पास था अः थर्टी टू का तो ये हमने थर्टी टू को दिखाया और हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करके दिखाएं तो नाइन हंड्रेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू एक यूनिट की कॉस्ट वो जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें लिखी हुई है यहाँ पे मौजूद है so, uh, इसमें हम करेंसी का साइन लगा देते हैं डॉलर की अमाउंट ये परचेजेस और जो भी परचेजेस होती है तो बैलेंस में जाके ऐड हो जाती है तो यहाँ पे बैलेंस में आपके पास Uh, लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स कितने के परचेज किए हैं और जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है टू डबल एट डबल जीरो तो ये टोटल आपका बैलेंस में मौजूद है उसके बाद हमने फिर सेल की है और हमने कितनी सेल की है हमने सेल की है वन थाउजेंड यूनिट्स कहां पे मौजूद है यूनिट्स हमें कैसे पता चला यूनिट्स हैं, तो ये देखिए ये वन थाउजेंड यूनिट है और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये बता रहा है कि फाइव हंड्रेड यूनिट्स हमने दिसंबर में से सेल किए हैं और फाइव हंड्रेड यूनिट्स हमने जनवरी में से सेल किए हैं तो जब जब हम यहाँ पे सेल दिखाएंगे तो इस 600 में से हमने कितने यूनिट बेच दिए फाइव हंड्रेड बेच दिए और ये जो फाइव हंड्रेड थे इसका रेट कितना था इसका रेट था ट्वेंटी नाइन सो यहाँ पे फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी नाइन हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 500 को 29 से तो हमारे पास जो आता है अमाउंट आती है वो 14500 आ रही है और आपने जब यहाँ पे सेल कर दिया फाइव हंड्रेड तो आपके पास यहाँ पे कितने बज गए यहाँ पे बच गए वन हंड्रेड यहाँ पे रिमेनिंग आ गए यानी इस सिक्स हंड्रेड में से फाइव हंड्रेड आपने सेल कर दिए तो आपके पास वन हंड्रेड रिमेनिंग आ गए इन वन हंड्रेड का रेट वही रहेगा ट्वेंटी नाइन तो यहाँ पे जब आप वन हंड्रेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी आपके पास अमाउंट आ जाएगी डॉलर टू थाउजेंड हंड्रेड सो so, अच्छा अब ये तो अभी पूरी सेल नहीं हुई क्योंकि हमने वन थाउजेंड करने हैं तो so, आपने पूरे कितने यूनिट्स करने हैं पूरे वन थाउजेंड पूरे करने हैं तो अब यहाँ पे आप देखे फाइव हंड्रेड आपने ले लिए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ रिमेनिंग फाइव हंड्रेड फ्रॉम जनवरी नाइन परचेज सो जनवरी नाइन की जो परचेजेस थी Uh, उसमें से हमने कितने लेने हैं रिमेनिंग फाइव हंड्रेड लेने हैं सो so, जो ये रिमेनिंग फाइव हंड्रेड है इसका रेट कितना आएगा यहाँ पे देख लें ये ट्वेंटी थर्टी टू आएगा तो यहाँ पे हमने कितना लिखा हमने लिखा डॉलर थर्टी टू और अगर आप फाइव हंड्रेड को मल्टीप्लाई करें थर्टी टू से तो आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी सिक्सटीन थाउजेंड आ जाएगी और इस 900 में से आपने 500 सेल कर दिए तो यहाँ रिमेनिंग कितने रह जाएंगे यह आप गौर से देख लीजिए कि बैलेंस में ये 900 थे इसमें से 500 हमने सेल कर दिए तो अब बैलेंस में हमारे पास कितने रह जाएंगे यहाँ पे हमारे पास रह जाएंगे 400 यानी दिस 400 और इस 400 का रेट कितना होगा इस 400 का रेट होगा जो इसके आगे लिखा हुआ है 32 तो यानी 32 को हम मल्टीप्लाई करें 400 से तो ये आ जाता है वन डॉलर डॉलर का साइन लगा के वन ट्वेंटी एट हंड्रेड So, uh, ये हमने जो ट्रांजेक्शन की थी ये हमने यूनिट सोल्ड किए थे ये किस डेट को हमने सेल किए थे यूनिट्स ये लिखा हुआ है फिफ्टीन जनवरी तो यहाँ पे हम लिख देंगे जनवरी फिफ्टीन uh, को हमने ये सेल की ट्रांजेक्शन की अब जब हमारे पास बैलेंस आएगा तो आप, आप देखें बैलेंस यहाँ पे देखें इसको हम एड अगर हम करते हैं तो बैलेंस हमारे पास टोटल कितना आ रहा है इसको बैलेंस को किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे अगर हम बैलेंस देखते हैं हमारे पास क्या है तो इसको आप ऐड कर लीजिए सम कर लेंगे तो फिफ्टीन हंड्रेड जो है इसको हम कहते हैं यूनिट्स परचेज यानी आपने कितने यूनिट्स परचेज किए उसके बाद जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये कहलाती है आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजेस इसके बाद जब आप इसका सम करेंगे यानी हर कॉलम को आपने वर्टिकली ऐड करना है तो इसको हम कहते हैं यूनिट्स सोल्ड और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा ये आपका कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो इनको आप ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी कॉस्ट ऑफ Goods or sold. Mm -hmm. और सोल और अल्टीमेटली जब आप इनको एड करेंगे तो ये आपकी कहलाएगी यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और जब आप इनको एड करेंगे ये आपके बच गए ना ये आपका बैलेंस मौजूद है इसको हम कहते हैं ये आपकी कहलाएंगी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री तो ये आपका कंप्लीट इन्वेंट्री कार्ड था अब अगर हमने री चेक करना है तो हम आप देखें यहाँ पे चेक करें कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमने जब, जब एंट्री पास की थी ये देखे थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रही है और यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रही है अंडर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सो ये आपकी एंट्री है और ये हमने लेजर कार्ड बना के देखा है इस कार्ड में हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है ये आपका था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मैथड अब हम दूसरा मैथड देखेंगे एवरेज मैथड सो एवरेज मैथड में हम क्या करते हैं सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के बजाय अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेटेड एवरेज मेथड या इसको एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहते हैं सो so, इसकी जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं कि अब जब आपने यूनिट्स परचेज किए तो ये परचेज वाली कॉस्ट हमने एज इट इज लिख दी यहाँ पे मौजूद है उसके बाद आपने आ, जब जब नेक्स्ट परचेज की है नेक्स्ट परचेज आपने की है नाइन हंड्रेड यूनिट तो क्योंकि ये एवरेज आउट कर देंगे हम हम इसको अलहेदा से नहीं दिखाते कि पहली परचेज कौन सी दूसरी परचेज कौन सी है तो अब जब हम इसका बैलेंस लिखेंगे तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए बैलेंस क्या आएगा ये सिक्स हंड्रेड और नाइन हंड्रेड प्लस करके यहाँ हम कितना लिख देंगे फिफ्टीन हंड्रेड लिख देंगे और इसकी जो कॉस्ट आ रही होगी इसकी कॉस्ट हम किस तरह लिख देंगे इसकी कॉस्ट हम टोटल लिख देंगे कैसे हम टोटल लिख देंगे इसकी कॉस्ट आप इन दोनों को प्लस करें यानी कि जो आपने पहले पहले यूनिट्स परचेज किए थे सिक्स हंड्रेड उसकी कॉस्ट थी सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड और जो बाद में आपने लेटेस्ट परचेजेस की है वो ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड है यानी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है वो आ रही है फोर सिक्स टू हंड्रेड ये एक्चुअल कॉस्ट आ रही है अब एवरेज में हमने ये डिस्कस किया था कि एवरेज में हम क्या करते हैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से तो अब आप यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हमारे पास फिफ्टीन हंड्रेड है तो ये जो हमारी कॉस्ट आ रही है इसको अगर हम राउंड ना करें और हम टू डिजिट तक दिखा दें तो 30.8 आ रही है और आप चेक करें कि हमने जब मेथड किया था आ, जब हमने एंट्री पास की थी तो एंट्री पास करते हुए भी हमने इसको कितना रिकॉर्ड किया था इसको हमने इसकी जो हमने पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी वो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे आ रही है थर्टी पॉइंट एट और यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले जब जर्नल एंट्री पास की थी तो थर्टी पॉइंट एट की थी अब जब हम इसकी इसको हम सेल करेंगे तो सिंपल हमने कितने यूनिट सेल किए हैं वन थाउजेंड यूनिट हमने सेल किए हम अलग अलग इसको नहीं लिखते क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि ये मेथड ही एवरेज आउट मेथड है तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है थर्टी पॉइंट एट आ रहा है और यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसको तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम डिजिट हम राउंड ऑफ किए बगैर लिख लेते हैं तो यहाँ पे आप सिंपल क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेसिकली इसी से आपने पहले भी एंट्री पास की थी और वो आप चेक कर लीजिए अपनी जर्नल एंट्रीज में ये थर्टी तो यहाँ पे इस लेजर में भी ये मैच हो गया कि ये थर्टी

फोर हंड्रेड आ रही है अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड सो ये था आपका लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज मेथड बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको करेंगे इसको हम रिपीट करेंगे सेम मेथड को फाइफो के जरिए एंड देन लाइफो के जरिए तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको फाइफो के जरिए करना है तो क्या चेंजेस आती हैं तो नेक्स्ट हम करने लगे हैं यहाँ वेटेड एवरेज की बजाय हम क्या लिखेंगे फाइव फो फाइव स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो सबसे पहले हम बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस तो आपने पहली परचेज की है सिक्स हंड्रेड की वैसे ही हमने रिकॉर्ड कर दी दूसरी परचेज की है आपने नाइन हंड्रेड की तो वैसे ही हमने रिकॉर्ड कर दी और इसका जो आपने कैलकुलेट किया ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड अब जब आप इसको सेल करते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले खरीदा है वो पहले बेच दें तो आपने यहाँ पे पहले क्या खरीदा है आपने यहाँ पे पहले खरीदा है सिक्स uh, हंड्रेड तो सबसे पहले हम आउट करेंगे 600 को और फिर हम रिमेनिंग आउट करेंगे 900 से यानी 1000 हमने पूरा करना है तो 6000 हम फर्स्ट इन यानी जो पहले आया उसको हम पहले भेज देंगे तो ये पूरा हमने भेज दिया सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड का और यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री में क्या रह गया यहाँ पे सिक्स हंड्रेड वाली में से हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया और नाइन हंड्रेड में से हम क्या कितना हमने पूरा करना है हमने वन थाउजेंड पूरा करना है तो फोर हंड्रेड हम ले लेंगे थर्टी टू की रेट से और अगर आप यहाँ पे अः फोर हंड्रेड को मल्टीप्लाई करें थर्टी टू से तो ये ट्वेल्व थाउजेंड 800 हो जाता है और रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा 900 में से 400 हंड्रेड बेच दिए तो अब आपके पास यहाँ पे कितने बच गए 500 बच गए एक का रेट कितना है 32 और 500 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 32 से तो आपके पास कितना आ जाता है 16 थाउजेंड आ जाता है सो so ये मेथड था आपका फाइव मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और अगर आप रीचेक करना चाहें तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी आ रही है थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड तो हम चेक करते हैं कि फाइफो में जो हमने एंट्री पास की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वो आप री चेक कर लीजिए फिटी थाउजेंड टू हंड्रेड आ रही है यानी सेम सेम आ रही है तो हम चाहे लेजर से उसको देखें और फिर हम उसकी एंट्री बना के देखे पहले एंट्री बनाते हैं फिर लेजर तो दोनों में अमाउंट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की क्या आ रही है सेम आ रही है लास्ट पार्ट है लास्ट हम करने लगे हैं लाइफो और लाइफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट तो यहाँ पे आपका क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपका जो लास्ट इन है फर्स्ट आउट है वो चेंज हो जाएगा तो अब आप अगर यहाँ पे चेक करें ये बैलेंस में मौजूद है सिक्स हंड्रेड पहले वाला और नाइन हंड्रेड बाद वाला तो हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट तो अब हम अ, सबसे पहले क्या बेचेंगे भेच, जो लास्ट में खरीदा था लास्ट में हमने नाइन हंड्रेड खरीदा ये सारा का सारा हमने बेच दिया तो हमारा ट्वेंटी एट एट हंड्रेड आ गया और हमारे पास नाइन हंड्रेड में से कुछ भी नहीं बचा नाइन हंड्रेड में से हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है उसके बाद हमने वन थाउजेंड पूरा करना है तो सिक्स हंड्रेड में से हम कितना ले लेंगे वन हंड्रेड ले लेंगे तो हमारे पास वन थाउजेंड पूरा हो जाएगा ट्वेंटी नाइन की रेट से तो हमारे पास ये टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड आ जाएगा और बैलेंस में छे सौ में से हमने एक सौ बेच दिए तो बैलेंस कितना बच गया फाइव हंड्रेड बच गया क्या रेट है ट्वेंटी नाइन का रेट है और अगर आप फाइव हंड्रेड को मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी से तो हमारे पास आ जाता है 14, और अगर अब आप यहाँ पे, पे अगर आप देखें तो आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है वो थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड आ रही है और अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमने एंट्री कितने से पास की थी तो आप यहाँ पे देख लीजिए सेम से हमने एंट्री पास की थी तो हमारे पास थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ही आ रहा है इसके बाद आपसे जो सवाल में एक और चीज पूछी हुई थी हमारे पास लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट जो हमसे पूछा गया था वो क्या पूछा गया था इसका जो सी पार्ट है सी पार्ट में पूछा हुआ है रेफर टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिगर्स कंप्यूटेड इन पार्ट ए यानी जो जर्नल एंट्रीज में हमने फिगर्स पूछी गई थी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस कैन द कंपनी यूज द वैल्युशन मैथड कैन कंपनी यूज द वैल्यूएशन मैथड रिजल्टेड इन लोअर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैथड इन दायर कॉस्ट ऑफ गुड सोल सो अब हम अगर चेक करें हम चेक करते हमने जो एक्सल शीट पर हमने कैलकुलेट किया था और आप देखे हमारे पास जो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल अंडर डिफरेंट मैथड आ रही थी पार्ट ए में तो आप चेक करें कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में थर्टी थाउजेंड आ रही थी फिर थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड और लास्ट में जो लाइफो मेथड है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही थी हमारी थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड अगर हम लाइफो मेथड यूज करते हैं और लाइफो मेथड के जरिए हमारी कॉस्ट सबसे ज्यादा आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सबसे ज्यादा आने का मतलब है कि प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा सबसे कम आएगा चारों मेथड में और अगर प्रॉफिट सबसे कम आएगा तो हमें टैक्स को आप कह लें इनकम टैक्स के, के पर्पज से आप कहें हमें टैक्स सेव हो जाएगा हमें टैक्स कम देना पड़ेगा तो अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव ही टैक्स कम देना है तो हम लाइफो मेथड यूज कर सकते हैं अपनी लेकिन उसमें हमारा एक ड्रॉबैक क्या है कि हमारी नेट इनकम जो है वो क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो नेट इनकम कम शो होगी तो इसमें अब यही पूछा हुआ है कि अगर आप फाइफो मेथड की बात करते हैं और लाइफो मेथड की बात करते हैं तो किसमें कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है किसमें कम आती है तो आप देख लीजिए कि फाइफो में आपकी कॉस्ट कम है कॉस्ट कम होने का मतलब है कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा और प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो फिर क्या चीज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी टैक्स देने पड़ेगा इसमें खास बात जो हमने याद रखनी है एक प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी होता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर कंपनी एक टाइप ऑफ इन्वेंट्री के लिए एक पीरियड में यानी एक साल आ, फाइफो मेथड यूज कर रही है तो कंपनी को चाहिए कि हर साल फाइफो ही यूज करे ऐसा ना हो कि जब कंपनी को इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने हो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना हो तो फाइफो यूज कर ले अगले साल कंपनी ने टैक्स सेव करना हो तो लाइफो यूज कर ले फिर फाइफो फिर एवरेज यानी कंपनी बार बार अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकती बल्कि इसको चेंज करने के लिए कंपनी सिर्फ सिर्फ जब आई रिक्वायर्ड होता आई एफ आर एस की रिक्वायरमेंट होती है तभी कंपनी मैथड चेंज कर सकती है या कोई आप कह लें के जजमेंट uh, की बेस पे अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि जिसमें um, आपको um, ये जरूरी हो प्रॉफिट मेथड चेंज करना तो आप कर सकते हैं उसमें भी आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स में रीजन लिखनी होती है सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम देखा हमने देखा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में फाइफो लाइफो वेटेड एवरेज की मदद मतलब से हम किस तरह से इन्वेंट्री कार्ड या इसको हम इन्वेंट्री लेजर कहते हैं और सेम एंट्री होती है लेकिन अमाउंट तीनों मेथड में आप देख लें डिफरेंट चारों मेथड में निकलती है तो आज के लेक्चर में हमने ये कवर करना था नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर है जिसमें हम अगेन एंट्रीज भी बनाएंगे और इन्वेंट्री लेजर या कार्ड भी बनाएंगे लेकिन परपेचुअल के बजाय हम प्रियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम देखेंगे सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर टेक केयर क्लास